और मैं जब मानपुर यहाँ पे उतरा दोस्तों, तो इतनी भीड़ वहाँ हो गई थी मुझे देखने के लिए, बोले इंडियन इंडियन इंडियन, दैट्स व्हाई, मतलब क्रेजी लोग रहते यार बहुत ही। और हमें भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो इंडियंस बोले तो पहले क्रिकेट टीम में देखते हैं, अपने जो जो बड़े बड़े अभिनेता है बॉलीवुड के उनको देखते हैं, और उनका ही रूप वो हम में देखते हैं, इसलिए मैं उनको निराश नहीं किया, उनके साथ सेल्फी खींचा और अभी वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं आगे आगे चल के। हो गई है साइकिल के पास, अभी साइकिल अंदर लेंगे चलेंगे। आप सब मानपुरा? हां मानपुरा। हां एंड विच इज द बेस्ट, मतलब क्या अच्छा है मानपुरा का? बेस्ट ऑन किसे आसे? हां देखर पता ऑन किसे आसे हरिण आसे। अच्छा 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 अच्छा। बेस्ट ये है कि ये शांत प्लेस है, काम, नो हॉर्न, नो गाड़िया, नो झिकझिक, शांति। यस तो कड़ी मशक्कत करने के बाद हम पहुंचे हैं ताजमुद्दीन लॉन्च टर्मिनल, मतलब लॉन्च तो नहीं रहती, ये छोटी छोटी सी बोट्स रहती, जैसे कि जैसा सुबह हम जो जैसे वो बारिशाल से भोला के लिए सी बोट से आए थे, वैसे ही छोटी सी बोट्स रहती ये। तो सुबह शुरू किया अपना सफ़र बारिशाल टू भोला, भोला टू ताजमुद्दीन, जाएंगे ताजमुद्दीन से बोनपुरा की तरफ। विशाल मेघना नदी का दृश्य मैं देख रहा हूँ और बढ़ रही है मेघना नदी बंगाल की तरफ, और हम भी बढ़ रहे हैं अपने एक एक कदम आगे, बस एक कदम पीछे अभी हम, और जाएंगे अभी। तो ढाका से शुरुआत की थी हमने, ढाका से आए पनाम सिटी, पनाम सिटी से आए हम चांदपुर, चांदपुर में हमने संगम देखा, चांदपुर से आए बारिशाल, बारिशाल से आए भोला, भोला से आए ताजमुद्दीन, मतलब कंटिन्यूसली सफ़र अपना शुरू है दोस्तों। बहुत ही थक गए मैं, क्योंकि नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ताजमुद्दीन का लॉन्च टर्मिनल, मतलब लॉन्च टर्मिनल नहीं, छोटा सा टर्मिनल है, यहाँ से आपको मोनपुरा के लिए बोट मिलती है, और कहाँ कहाँ के लिए जाती है? हतिया के लिए जाती है, मोनपुरा, हतिया और चौरा से। अच्छा, मतलब जो नज़दीक नज़दीक वाले जो लैंड से वहाँ पे आपको यहाँ से बोट्स मिल सकती है। जो मेघना नदी बंगाल में मिल रही है, गंगा नदी बंगाल में मिल रही है, तो जाते आगे। जय हिंद। सबसे पहली बात, अगर आपको ताजमुद्दीन से मोनपुरा की तरफ जाना हो, हतिया की तरफ जाना हो, तो एक मेडिकल लगेगा, और मेडिकल से ही राइट टर्न लेके आपको इस घाट की तरफ आना होगा, ना कि सीधे सीधे ताजमुद्दीन से आगे बढ़ना होगा, राइट टर्न लेके आपको यहाँ तक पहुँचना है, फिर आपको यह सारी सी फेरीज यहाँ नज़र आ जाएगी। करते ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बहुत सारी दुकानें, शॉप्स भी नज़र आएगी, फिर आप वहाँ आपका लंच भी कर सकते हैं, कुछ आपको फल फ्रूट्स खरीदने हैं तो वो भी कर। एंट्री करते ही बड़ा सा मार्केट लगता है, उस मार्केट से भी आप खरीदी कर सकते हो, चाहे आप लंच कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मछली मार्केट यहाँ का, अभी दोपहर का वक्त इसलिए बंद है, शाम के वक्त खुलेगा, जैसे हमने कल देखा जो चांदपुर में हमने बंगबंधु पार्क में देखा था, हिल्सा फिश मार्केट देखा था वहाँ पे बड़ा, वैसा ही ये मार्केट है, लेकिन दोपहर की वजह से अभी वो बंद है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये पूरा मेघना नदी का क्षेत्र है, गंगा नदी का ये पूरा क्षेत्र है। ये ताजमुद्दीन घाट पे हम आए हैं, और देखिए ये पूरी ग्रीनरी यहाँ फैली, पानी का स्तर अभी कम है इसलिए यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन जब पानी रहता होगा, ये पूरा भरता होगा, तो ये एक समुंदर से कम नहीं दिखता होगा। आ गए हम मेघना नदी के पात्र के नज़दीक बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए ये फिशरमैन जो है वो मछलियाँ निकालने का काम करे जालियों में से। तो लगभग अभी 3 बज गए और अभी हम बढ़ रहे अपनी लॉन्च के तरफ, लॉन्च का आवाज यहाँ तक आ रहा है, तो चलते हैं अपनी बोट पकड़ते हैं।
ये देखिए अभी यहाँ पे साइकिल मैंने नीचे लगा दी है, जैसे हमने 22 साल से भोला के लिए लाई थी वैसे ही नीचे लगा के अभी हम सफ़र शुरू करेंगे अपना मोनपुरा की तरफ। इस ताजुमुद्दीन जो लॉन्च फेरी उसके बारे में, लॉन्च जो टर्मिनल इसके बारे में और अगर जानकारी देने की कोशिश अगर मैं करूं तो यहां से हतिया के लिए आपको मिल जाती है और ये अभी हम जो जा रहे हैं ये मोनपुरा के लिए जाती है। मोनपुरा को दोपहर को 3 बजे जाती है और सुबह 1 जाती है। तो इस प्रकार यहाँ से आप फेरी से, मतलब ये छोटी सी बोट रहती है उससे आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यही ये अच्छा मैं ये पूछना चाहता था, ये जो अभी जा रही है ना मोनपुरा को दिन में कितनी बार जाती है ये? एक बार, बस 3 बजे सुबह मॉर्निंग 5 बजे, उसके बाद 3 बजे, फिर 11, 12, 1 बजे नहीं है, डायरेक्ट 3 बजे। तो डायरेक्ट 3 बजे है और सुबह 5 बजे है, ऐसा रहता है। हथिया के लिए यहाँ से नहीं जाती, वो सोनापुर चुम्बनी घाट वहाँ से जाती है, यहाँ से फिर सिर्फ मानपुरा के लिए जाती है, यहाँ से सिर्फ मानपुरा के लिए जाती है और मानपुरा से हथिया के लिए जाती है। मानपुर से हथिया के लिए आप जा सकते हो। तो ये ऐसी पूरी ताजुमुद्दीन ये जगह का नाम है ताजुमुद्दीन जो है जगह है। जैसे आए थे हम वैसे ही सी बोट है, इसके दो पार्ट रहते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। नीचे वाला जो पार्ट है आपका जो लगेज वगैरह है ये आप नीचे रख सकते हैं, और अभी साइकिल मैंने इधर ही लगा दी और नीचे भी आप बैठ सकते हैं। नीचे के सीट का चार्ज लगभग 30 या 40% कम रहता है ऊपर के, इससे नीचे सिर्फ ये ऐसे, मतलब जो बैठने के लिए जो ये होते हैं बस इस पर ही आप बैठ सकते हो। और ऊपर का जो सिस्टम रहता है, मैं अभी आपको ऊपर का दिखाता हूँ। ऊपर ऐसा रहता है कि ये चढ़ के आप अभी ऊपर आए तो यहाँ, तो ये ड्राइवर का कैबिन रहता है इधर, और यहाँ से फिर ऐसी ये बैठने की जगह रहती है, ये ऐसी बैठने की जगह रहती है यहाँ पे, अच्छी सुविधा ये भी। और पीछे अगर दिखाऊं मैं तो बस इतनी ही बैठने की सुविधा है इसमें, बाकी पीछे तो टॉयलेट बाथरूम्स वगैरह रहते हैं। ये देखिए ये पीछे जो है ये वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम रहता है, और यहाँ तक बोट ये रहती है, ऐसी बोट। इसी सुविधा से अभी सफ़र अपना शुरू हो रहा है आगे की तरफ। यहाँ से अपना सफ़र शुरू होगा मोनपुरा के लिए, और ये है अपने ड्राइवर साहब मोनपुरा के, और ये है अपने हॉस्पिटल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन, और अपने बैंकर मैन तो बैठ गए शायद अंदर बैठ गए। तो सफर ये अभी शुरू होगा अपना, ओके शुरू होगा दोस्तों अपना ताजुमुद्दीन से मोनपुरा की तरफ। बेल बज रही है और लगभग 3:20 को ये जो छोटा फेरी है, मतलब छोटा लॉन्च है, चलने को शुरुआत हो गया है। और आप मेरे पीछे देख रही है ये मेघना नदी का दृश्य, बस ऊपर की सीट्स अच्छे है लेकिन मैं नीचे बैठना पसंद किया क्योंकि साइकिल है अपने साथ, साइकिल लेके हम पहुंचने वाले मानपुर। आप भीड़ देखिए कितनी है, ये सारी भीड़ में साइकिल हम सब पहुँचेंगे मानपुरा के तरफ। तो देखिए 80 रुपये का टिकट लेके अपना सफ़र शुरू हुआ है मोनपुरा की तरफ। जो टिकट प्राइस पड़ता है वो 180 बांग्लादेशी टका। ये देखिए उन्होंने मुझे पीछे इंग्लिश में भी लिख के दिया क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और हो गया है शुरू अपना सफ़र। देखिए दोस्तों अभी थोड़ा आगे आने के बाद मेघना नदी का ये विशाल रूप आप देख रहे हैं, ये कैसे समुंदर से कम नहीं लग रही यार, बहुत ही बड़ी, बहुत बहुत विशाल। और ये अभी
समुंदर की तरफ भी बढ़ रही है और हम भी बढ़ रहे हैं समुंदर की तरफ। देखते आखिर तक सफर कैसा रहता है। तो लगभग 5:45 बजे अभी और हम पहुंचने वाले हैं मानपुरा के इस आइलैंड पे। ये देखिए सामने जो दिख रहा है ये पूरा मानपुरा का क्षेत्र है और ये मेघना का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र आप देख रहे हैं। ये ब्रेड बचा था मेरा 2 दिन पहले का, तो मैं मछलियों को डाल रहा हूँ यहाँ पे। मछलियाँ तो दिख तो नहीं रही है लेकिन नो। ये देखिए चाय पीते क्या पूछने आए। कोई बात नहीं, BIWTA मैंने कल ही इसका आपको जवाब दिया था, बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो पहुँच गए हम लॉन्च पे और लॉन्च मतलब एक मुझे यहाँ एक ही ये दिख रहा है स्टेप्स। 5 बजे पहुँचाए, उतरे थे यहाँ से अभी और जाते हैं बाहर। साइकिल रेडी अभी अपनी जाने के लिए। आए हम ये मानपुरा के आप जो लॉन्च टर्मिनल देख रहे हैं ये छोटा सा, यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ बोर्डिंग सिस्टम कैसे है, कहाँ रहने की व्यवस्था होती है। तो कुछ अपना ठाव ठिकाना ढूंढते का एंड करते हैं क्योंकि कल से ढाका से सफर अपना कंटिन्यू शुरू है और आराम नहीं हुआ है दोस्तों। मेरे चेहरे से आपको पता चल गया चल रहा होगा, फ्रेश नहीं लग रहा मैं क्योंकि इतना फ्रेश मौसम है यहाँ का। नदी से सफर कर रहे थे लेकिन तो भी मेरा मूड ऐसा ठीक नहीं था, आराम ठीक से नहीं हुआ था। तो देखते हैं कोई ठिकाना देखते और ये देख रहे हो पूरा आप मानपुरा का ये लॉन्च टर्मिनल। तो चलते हैं मानपुरा के इस आइलैंड पे। आते ही मुझे ये बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, मतलब कचरा मत करो ऐसा, स्वच्छता रखो, क्लीन आवर मेघना रिवर। ओके मेघना रिवर को क्लीन रखो, स्वच्छ रखो। और ये देख के अच्छा लगा और ये जो लैंड से इस लैंड से यहाँ की यहाँ पे इसकी जानकारी भी देने की कोशिश की। हम जो है वो अभी मानपुरा में और ये सीधा रास्ता जाएगा अभी मार्केट की तरफ। तो चलते हैं आगे। ओके। और ये देखिए ये जो भाई साहब जो आगे गए दोनों जन, और मैं जब मानपुर यहाँ पे उतरा दोस्तों तो इतनी भीड़ वहाँ हो गई थी मुझे देखने के लिए। बोले इंडियन इंडियन इंडियन, दैट्स व्हाई, मतलब क्रेजी लोग रहते यार बहुत ही। और हमें भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी मतलब देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो इंडियंस बोले तो पहले क्रिकेट टीम में देखते हैं, अपने जो जो बड़े बड़े अभिनेता है बॉलीवुड के उनको देखते हैं और उनका ही रूप वो हम में देखते हैं। इसलिए मैं उनको निराश नहीं किया, उनके साथ सेल्फी खींचा और अभी वो मुझे रास्ता दिखा रहे आगे आगे चल के। तो देखते अभी मार्केट यहाँ से कहाँ है। इतने अंदर भी इतना बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था। मानपुरा एक छोटा सा आइलैंड है ये और यहाँ पे भी एक छोटा सा मार्केट ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रहने की सुविधा हो सकती है। अभी ये जो देख रहा हूँ मैं तो ये है यहाँ का निवासी का। तो देखते हैं यहाँ ये जो है मनोज श्रोता निवासी का, ये तो इन भाई का बहुत बड़ा प्लम्बिंग का शॉप है और निवासी का भी है। तो देखते हैं पूछते हैं रहने की सुविधा होगी या नहीं। फिर कमरे का तो हो गया है, यहाँ पे रहने की सुविधा हो गई है। और ये देखिए बाहर अभी ये भीड़ देखिए आप कितनी हो गई है साइकिल के पास। अभी साइकिल अंदर लेंगे और चलेंगे। आप सब मानपुरा एंड विच इज द बेस्ट, मतलब क्या अच्छा है मानपुरा का? बेस्ट ऑन किससे आसे हैं देखर बताओ ने किससे आसे होरिन से। अच्छा बेस्ट ये है कि ये शांत प्लेस है, काम, नो हॉर्न, नो गाड़ियां, नो झिकझिक, शांति। दैट्स इन ढाका, इन व्हेन आई गोइंग टू ढाका, बांग्लादेश कैपिटल ढाका,
चलने को जगह नहीं, गाड़िया मैं हॉर्न दिस इज काम दिस इज शांत प्लेस। साइकिल यहाँ पे लगा दी मैंने अभी, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है ना दोस्तों साइकिल देखने के लिए, मुझे देखने के लिए, जैसे एक सेलिब्रिटी का एहसास मुझे होने लगा है अभी यहाँ पे आके। तो मैं रूम दिखाता हूँ आपको, छोटा सा रूम है, बढ़िया है अकेले के लिए, ठीक है। तो ये है रूम और इसका चार्ज मुझे पड़ा है 200 बांग्लादेशी टका। 200 बांग्लादेशी टका मतलब अपना इंडिया का हुआ लगभग 170 या 160 रुपये। और ऊपर से ये व्यू दिखता है इस मार्केट का, उदिन टू मानपुरा, और मानपुरा की मानपुरा में अपनी जर्नी एंड हो रही है यहाँ पे आज की, मतलब आज रेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि ढाका से कुछ भी रेस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी मानपुरा में रेस्ट करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी यात्रा गंगोत्री टू बांग्लादेश, जो पहुँची है मानपुरा में, और कल हमारी जर्नी का एंड होगा गंगोत्री टू बांग्लादेश की, जो गंगा नदी मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में मिलती है उस जगह पे हम जाने वाले हैं कल, इस मानपुरा डिस्ट्रिक्ट का आखिरी छोर। हर हर गंगे हर हर महादेव, जय हिंद।